मैं सच कहूं और स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अभी भी ये कोई सूचना नहीं है, इसीलिए मैं इसे जैसे आम तौर पर शूटिंग पर आती हूं वैसे ही मैं इस दिन को मान रही हूं और मैं बहुत खुश हूं और रमाकांत की शादी हो रही है और हो चुकी है और घर में पोता बहू भी आ गई है तो खुशी का माहौल है, मैं बहुत खुश हूँ। और रही बात आप जो प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगी कि मुझे कोई सूचना नहीं है इस विषय में। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ और मैंने पिछले 2 महीने पहले ही बताया था, तो अब आगे क्या सिलसिला बनेगा ये तो जब मुझे कोई एक ऑफिशियल इंटीमेशन आएगा तभी मुझे पता चलेगा, पर यदि हुक्म होगा तो मैं आ जाऊँगी वापस। मेरा सौभाग्य है, ईश्वर के आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्रेम है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि बुरे इंसान अपनी बुराई कभी छोड़ते नहीं है, उन्हें अच्छे बनने के कई मौके दिए जाते हैं, ईश्वर भी देते हैं, पर वो नहीं सुधरते। जाहिर सी बात है कि समीरा और पिंकू और भवानी की पोल खुल गई है तो वो बहुत ही बिल्कुल एकदम बौखला गए हैं और उसी बौखलाहट में उन्होंने रमाकांत को मारने के लिए गोली छोड़ी और जब गोपी ने देखा कि वो गोली अपने बेटे की तरफ आ रही है तो वो बीच में आ गई तो उन्हें गोली छू कर निकल गई है। ईश्वर की कृपा है, सब खैरियत है और अच्छे कर्म किए हैं तो मोदी परिवार के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। रही बात परेशानियाँ और कठिनाइयाँ, तो स्पीड ब्रेकर्स भी ज़िंदगी में आने बहुत ज़रूरी है वरना हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान की असीम कृपा रही है कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा साथ देते हैं, तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स अनेकों अनेक आ जाए, हमारे कृष्ण भगवान है ना, तो कोई डरने की बात नहीं। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.